अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सफदर है। आप देख रहे हैं टेक्निकल मार सफदर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो अब हम आ जाते हैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर। इंस्टाग्राम के अकाउंट पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये अपने प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपने ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपने आना है हेल्प में। तो हेल्प में आने के बाद अब जो है ना आपने फिर से आना है हेल्प सेंटर में। हेल्प सेंटर में आप क्लिक करेंगे जैसे तो कुछ इस तरह से जो है ना आपके सामने डैशबोर्ड खुलकर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने जो है ना कुछ इस तरह से जो है ना एक विंडो खोलकर ओपन हो जाएगी। तो आपने सिंपल जो है ना ये जो तीसरे नंबर पर है अपने इसको क्लिक कर देना है, डिलीट फॉर्म माय इंस्टाग्राम अकाउंट। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप जो है ना आपसे जो है ना कुछ इस तरह से ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपने जो ये नीचे फर्स्ट नंबर पर आ रही है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपसे कह रहा है टेम्परेरी डीएक्टिवेट योर अकाउंट, अगर आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप जो है ना अपने पिक्चर फ़ोटो जो भी हैं आपके, अगर वो आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं डाउनलोड, मतलब जितनी भी आपने पोस्ट किए हैं इसमें अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपके सामने एक ऊपर एक छोटी सी विंडो ओपन हो रहा है। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मोबाइल ब्राउज़र हेल्प, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना अभी जो है ना डिलीट का ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। तो अब आपने थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं instagram.com फॉरम ए मोबाइल ब्राउज़र, तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके सामने डिलीट योर अकाउंट। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ जो है ना इस तरीके से जो है ना आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या मसला, आप क्यों डिलीट करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से कोई भी एक मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर करने के बाद अब ने जो है ना अब यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जो है ना वो इंटर करना है। तो चले मैं अपना पासवर्ड जो है ना यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, उसके बाद जो है ना देखते हैं क्या होता है। तो मैंने पासवर्ड जो है ना इंटर कर लिया है अपना। अब जो है ना आपने यहाँ से यस ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ ये प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद जो है ना ये आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना ये कह रहा है कि 24 या 25 दिनों के बाद जो है ना आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। तो ये देख सकते हैं आपके सामने जो है ना डिलीट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है। तो अब जो है ना आप मतलब आपका ये अकाउंट जो है ना यहाँ पर रहेगा, मौजूद रहेगा पूरा मतलब 24 से 25 दिन। अगर आप इसको दोबारा रिकवर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो ये 24-25 दिनों के बाद ऑटोमेटिक जो है ना ये यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर।
तो हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।